जबलपुर में हमेशा चर्चा में रहने वाला मार्बल सिटी हॉस्पिटल का एक और नया कारनामा, जहां चेकअप के लिए आई प्रेग्नेंट महिला को मार्बल सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा दवाई लिखे जाने पर परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में संचालित दवाई दुकान से दवाई लेने पर दुकानदार द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई। जब परिजनों के द्वारा दवाई को चेक किया गया तो दुकानदार को बताया कि एक्सपायरी दवाई है, तो दुकानदार द्वारा परिजनों से बदसलूकी की गई, जिसके बाद पीड़िता द्वारा ओमती थाने में लिखित शिकायत दी गई। पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि दुकान संचालक पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कल मार्बल सिटी हॉस्पिटल में आपके साथ क्या घटना हुई, इसके बारे में बताएं आप। जी, मैं प्रेगनेंसी का इलाज करवाने गई थी अमिता शक्सेना मैम के पास। वहाँ मैंने दवाइयाँ लिखवाई और जो दवाइयाँ वहाँ पे लिखी गई थी वो मैंने वहाँ पे दिया, दवाई दुकान में दिया। दवाई दुकान वालों ने मुझे एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ दे दी। मैं वहाँ तो नहीं देखी, घर आकर दवाइयों को देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट, उसके पहले मैंने नहीं देखा, खा लिया मैंने। मुझे चक्कर आया और अजीब लग रहा था, फिर उसके बाद मैंने दवाइयों को देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ थी। मैंने तुरंत अपने घर के सदस्यों को बताया तो वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, तो उनने अभद्रतापूर्ण उन्होंने बिहेव किया और मान नहीं रहे थे कि ये हमारी दवाई है, लेकिन उनको बिल दिखाया गया कि आपके यहाँ की दवाई, कुछ वहाँ से और भी दवाइयाँ निकली थी लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे वो। आपका इलाज कितने दिनों से और कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? मार्बल सिटी में चल रहा था। कितने दिनों चल रहा है? पहली बार गई थी मैं। आप पहली बार गई थी तो आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं, इसके पहले भी दवाइयाँ दी गई थी क्या? जी नहीं, उसके पहले तो दवाइयाँ नहीं दी गई थी, लेकिन फिर जो दवाइयाँ अभी दी गई मुझे वो एक्सपायरी डेट की थी। और ये देखिए वहाँ का ये है पर्चा और ये है बिल। तो आपने हॉस्पिटल के प्रबंधक से कोई कंप्लेंट की वहाँ पे? जी, फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट कराई उनके नाम से। और ये हैं दवाइयाँ, मैंने एक दवाई खाई थी उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और प्रेगनेंसी की हालत में अगर मैं ऐसी दवाई खाई तो उसका साइड इफेक्ट जो वो हुआ तो उसका जवाबदार क्या मार्बल सिटी हॉस्पिटल या फिर उनका उनकी दवाई दुकान वाले रहेंगे? आपका नाम बताएं। शिल्पा मिश्रा। हाँ, छोटा भाई और उनकी मिसेज ट्रीटमेंट कराने मार्बल सिटी गई थी। ट्रीटमेंट किस चीज़ से करवाने गई थी? प्रेगनेंसी का इलाज। जी, तो उसके दौरान उनको एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई। जब हम मार्बल सिटी पहुँचे तो उनसे बोला गया कि ये एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई, तो उन लोग हमसे अभद्रता करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे और हमसे पत्थर छीनने लगे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ की दवाई नहीं थी, हमने बिल दिखाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इसका बिल आपके पास में है? जी, इसका बिल हमारे पास है। जब हमने छीना चपटी में दो पत्ते उनसे लेके आए हैं, जब आप देख सकते हैं दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। तो आपने इसके बाद कंप्लेंट कहाँ की? तो ओमती थाने में शिकायत करने आए तो उनको ओमती थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई। हम पेशेंट का नाम क्या था? पवन मिश्रा, छोटा भाई, और पेशेंट का नाम है शिल्पा मिश्रा। आपका नाम बताओ। गणपत मिश्रा।